Good morning, students. This side Bhavna, your maths teacher. So today we'll do words problem of exercise 9.2. Question number 7 is: Sumit walks 500 meter to reach his school, while Mohit walks 250 meter to reach same school. What is the total walking distance for both to reach school? अब जो सुमित है वो कितने मीटर जाता है, 500 मीटर, ओके, और उसी के अपोजिट में जो मोहित है वो 250 जाता है. तो पूछा है कि इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो कितना होगा, ओके. आंसर जो क्वेश्चन होगा ना वो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा उसमें. तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को लिख देना, आंसर इज सुमित वॉक्स 500 मीटर, मोहित वॉक्स 250 मीटर. वॉकिंग डिस्टेंस पूछा है तो जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा. तो सुमित की जो वॉकिंग डिस्टेंस और मोहित का वॉकिंग डिस्टेंस है वो क्या होता है, मोहित का वॉकिंग डिस्टेंस सुमित में से लेस हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो. अब जीरो माइनस फाइव, वी कांट सबट्रैक्ट फाइव फ्रॉम जीरो, सो वी विल टेक वन. हमने बन लिया किससे, फाइव से. 5 will be converted into 4. 10 minus 5, 5. 4 minus 2, 2. So what answer we have got? 250 meter. So walking distance is 250 meter. Now question number 9th is, length of a pencil is 12 centimeter. Find the length of such 9 pencil. अब जो एक पेंसिल है ना उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है. तो पूछा गया है कि 9 पेंसिल की लेंथ कितनी होगी. तो जब भी हमें कम दिया और हमें ज़्यादा निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्वेश्चन आप इस तरीके से लिखेंगे, आंसर लेंथ ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ 9 पेंसिल्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 टू ज़ा 18, 8 एंड 1 कैरी, 9 वन ज़ा 9 प्लस 1 10. सो टोटल जो 9 पेंसिल्स की लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी 108 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 10th इज, फ्रॉम अ पीस ऑफ अ रिबन ऑफ 24 मीटर लेंथ, एक 24 मीटर लेंथ की रिबन है, अंकिता कट 6 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, और इस 24 मीटर की जो लेंथ है उसको 6 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस. तो बताना है कि एक एक पीस जो है, वन वन पीस की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी. तो क्वेश्चन ऐसे ही लिखेंगे, आंसर टोटल लेंथ ऑफ रिबन. स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है इन एग्जाम और आपने स्टेटमेंट्स नहीं लिखी तो आपको उसका हाफ ही मार्क्स मिलेगा, ओके. टोटल लेंथ ऑफ अ रिबन इज 24 मीटर, लेंथ ऑफ 6 पीसेस, 6 पीसेस में हमने उसे कट किया तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 6 फोर ज़ार 24, और जो 4 होगा वो जो एक एक पीस है, ईच पीस की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर, 4 मीटर. एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 128. अमित बायस 2 केजी 500 ग्राम पोटैटोज. अमित ने 2 केजी और 500 ग्राम पोटैटोज लिए एंड 500 ग्राम टोमेटोज, और जो टोमेटोज है वो उसने कितने लिए, 500 ग्राम. फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स ही परचेज, उसने टोटल कितने वेजिटेबल्स खरीदे, कितने केजी वेजिटेबल्स खरीदे वो हमें बताना, टोटल क्वांटिटी बतानी है. अमित परचेज पोटैटोज 2 केजी एंड 500 ग्राम, ही परचेज टोमेटोज ओनली 500 ग्राम. यहाँ पर हमें कोई डिजिट नहीं दे रखी, तो आप या तो यहाँ पर जीरो भी लगा सकते हो या ऐसे ब्लैंक भी रहने दे सकते हो, ओके, जीरो केजी लिख लीजिए. अब क्या है, हमें क्या बोला है, टोटल क्वांटिटी बतानी है. अगर टोटल पूछा जाएगा तो क्या कर देंगे, प्लस, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, फाइव प्लस फाइव टेन, वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री केजी, जीरो ग्राम,
उसने टोटल 3 kg वेजिटेबल्स परचेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सोनिया परचेज्ड 8 kg 300 g राइस एंड 2 kg 100 g शुगर। हाउ मच मोर राइस डिड शी परचेज। सोनिया ने राइस 8 kg 300 g परचेज किए, शुगर 2 kg एंड 100 g परचेज किए। तो ये पूछा है कि जो राइस है वो शुगर से कितनी ज्यादा उसने परचेज की। ओके, तो अब हम क्या कर देंगे, सोनिया परचेज राइस 8 kg 300 g, शी परचेज शुगर 2 kg 100 g, परचेज मोर राइस, उसने कितने चावल जो है वो ज्यादा खरीदे, तो क्या करेंगे, जो राइस है उसमें से शुगर को लेस कर देंगे, तो जो राइस है वो कितना ज्यादा खरीदा वो पता चलेगा। 0 - 0 = 0, 0 - 0 = 0, 3 - 1 = 2, 8 - 2 = 6। तो जो राइस है उसने 6 kg एंड 200 g शुगर के कंपेयर में ज्यादा खरीदे। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है, ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।